बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है गाइस, इजिप्ट ने इंडिया से रिक्वेस्ट की है गंदम की। गाइस इंडिया को कहा है कि आपने जो गंदम के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई है उसको दोबारा से खोल दे, हमें गंदम की अशद जरूरत है। गाइस दुनिया में गंदम की किल्लत आई है, कोरोना के बाद अगर आप देखेंगे तो दुनिया दोबारा से अपनी इकोनॉमी को स्टेबल नहीं कर पा रही। वहां पर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल भी कर लिया और दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी भी बन गया। गाइस इंडिया की अगर हम रुपए की बात करें तो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस टाइम। गाइस इंडिया ने कौन सी ऐसी चीजें करके अपने रुपए को स्ट्रॉन्ग किया है? पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ गाइस, पाकिस्तान में भी गंदम की किल्लत है। क्या पाकिस्तान को इंडिया से गंदम मांगने की जरूरत है? क्या पाकिस्तान इंडिया से गंदम मांगेगा? इस सब के मकसद है, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है सर। हमारे पास, हम कहते हैं, दुनिया को कहते हैं हम ज़रई मुल्क हैं तो हर चीज़ हम खुद अपनी बना सकते हैं, लेकिन सर हम दुनिया से इम्पोर्ट कर रहे हैं, गंदम की हमारे पास मकदार नहीं है सर। आप देख रहे हैं कि गंदम कितना महंगा हो चुका है, 150 रुपये पर केजी, कैसे देखते हैं सर? पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क मवाद मुल्क है जहाँ से दूसरे मुल्कों को गंदम हम भेजते थे, ठीक है ना। लेकिन हमारे ये कुछ अरसे से क्या, ये काफ़ी अरसे से, यानी कि पहले ये जो हमारे पहले जो इमरान खान साहब के साथ है, ये तारीन वगैरह, ठीक है ना, ये हो गया है। ये जो नून लीग के सारे हैं तकरीबन सियासतदान, इन्होंने सारे अपने मनगढ़ंत सिस्टम अपने चलाए हुए हैं, ठीक है ना। मुल्क का बड़ा गलत कर दिया इन्होंने। मेरी बात सुनिए, अभी गंदम कैसे मिलेगी जब सस्ती मिलेगी पाकिस्तान में, जब खाद की बोरी जो DAP है वो 14-15 हज़ार की DAP की बोरी है, ठीक है ना, और यूरिया भी बहुत ज़्यादा महंगी है, जब एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और डीजल देखो कितना, किसान का तो ज़रूरत ज़्यादा खाद है और डीजल है, ठीक है ना। वहाँ पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहा, बाहर से मंगवा रहा। वहाँ पर हमारा पड़ोसी में लोग इंडिया, सर इंडिया की मैं बात बताऊंगा आपको कि अपनी जरूरियात पूरी कर तो रहा वो, लेकिन इजिप्ट की हेल्प कर रहा है। सैम दुनिया को एक्सपोर्ट करता है गंदम चावल, सर उनके पास क्या चीज़ है जो को उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है, उनको दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत बनाती है? क्या ऐसी चीज़ है इंडिया के पास? सर इंडिया की जो हुकूमत है ना, वो चाहे जैसी भी है, वो मोदी जैसा भी है, ठीक है ना, वो अपने हमारे लिए जो भी, यानी कि हमारा दुश्मन है, ठीक मुल्क है, ठीक है ना, दोस्त मुल्क भी है, लेकिन वो उसकी ज़हनियत वो दुश्मनों वाली है, ठीक है ना। लेकिन वो जो इंडिया है वो अपने किसानों के साथ बहुत ज़्यादा तआवुन करता है सर। इंडिया की जो हुकूमत, जो भी हुकूमत आती है, वो अपने किसानों के साथ बहुत तआवुन करती है। उनको बिजली के बिल बहुत ही, अगर पहले सुनते थे कि उनको बिल फ्री है, अगर फ्री नहीं भी है तो नहीं है सर ना, आप पंजाब में 500 यूनिट फ्री है बिजली के, ना होने के बराबर है, ठीक है ना। खाद भी वहाँ पर सस्ती है, यानी इवन के जितने भी जरिए हालात उन पर ना होने के बराबर टैक्सेस हैं, खादें भी बिल्कुल ना, टैक्सेस तो है ही नहीं उन पे। तो जाहिर सी बात है, जब हमारे हुक्मरानों ने हमारे पे वो DAP इतनी महंगी कर दी, यानी हमारी हर एक चीज़ पे टैक्स लगाया उन्होंने, ठीक है ना, और टैक्स लगा के करते सिर्फ अपना पेट पालते हैं, आवाम का नहीं देखते, वो सिर्फ अपना पेट पालते हैं, और जो टैक्स वगैरह हमसे वो लेते हैं वो आवाम को रिलीफ देती नहीं है। सारे जो सियासतदान है वो अपनी जेबें भरते हैं, अपने घर बनाते हैं। यहाँ पर हुक्मरान खड़े होकर कहते हैं कि इंडिया वैसा, इंडिया को हम तबाह कर देंगे, इंडिया को वैसे कर देंगे, वहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म करते हैं। तो सर अब मैं आपको बात बताना चाहूँगा, वहाँ पर तो चलो मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, यहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा? आटा नहीं मिल रहा सर, आटे के लिए लोग मर रहे हैं लाइनों पर लग के, घर पर रोटी पूरी नहीं हो रही, तो ये हुक्मरान क्या कर रहे हैं सर? सर ये हुक्मरान सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, इनको किसी का एहसास है ही नहीं, ज़रा भी एहसास नहीं है किसी को, हर एक को अपने का है। मेरे पास बात चाहिए जो सरकारी गाड़ी होनी चाहिए, थोड़े दिनों पहले मैं इस्लामाबाद गया हूँ, वहाँ पे एक ना मिनिस्टर की गाड़ी खड़ी हुई थी, ठीक है ना, वो सुनते हैं कि वो गाड़ी जो है ना वो 1 लीटर में 2-3 किलोमीटर करती है। मैं वहाँ पर, हम काफ़ी देर खड़े रहे हैं, और उसकी जो गाड़ी थी ना वो तो स्टार्ट ही खड़ी रही है, ठीक है ना, वो अंदर मीटिंग, नवाब साहब अंदर मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो और ये जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं सनाउल्ला, चाहे जो भी है, चाहे PTI का जो मिनिस्टर भी था, अगर वो भी होता तो गाड़ी स्टार्ट ही खड़ी होती थी उनकी, क्या ज़रूरत है गाड़ी स्टार्ट खड़ी करने की? पैसा तो आवाम की जेब से जा रहा है, किसानों की जेब से जा रहा है, तो बंदा क्या करे? अब बंदा बोलने जैसे बंदा ज़्यादा बोलता है तो वो कहते हैं कि बदतमीजी के जिम्मे में आता है, बस यही है। सर जो इंडिया के बारे में पॉलिटिशियन बात करते हैं वो क्यों करते हैं? क्या वो पाकिस्तान से ध्यान हटाकर इंडिया की तरफ करवाना चाहते हैं, या उनका कोई और मकसद है? सर जाहिर सी बात है, ध्यान हटाना है कि वो इंडिया वाले साथ वाले मुल्क के, ये किसी और मुल्क की बात कर देंगे कि वो ऐसा है, वो वैसा है, ठीक है। सर हमारे आवाम का जो ना ध्यान भटकने के लिए वो ऐसे करते हैं। कश्मीर की बात कर लेंगे, कश्मीर में वहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़रा बताएंगे आप? सर कश्मीर में जो हो रहा है वो इंतहा किस्म का जुल्म हो रहा है, ठीक है ना। हमारा जो सियासतदान है ना, ज़ाहिर सी बात है हमारे सियासतदान कुछ करेंगे, क्योंकि असम्बलियों में बैठे उन्होंने बाहर जाके
यूएनए में बात वगैरह करनी होते हैं। आपने कहा कश्मीर में जुल्म हो रहा, मैं आपको बताना चाहूंगा जुल्म किस तरह का हो रहा है। सर जुल्म इस तरह का हो रहा है, वहां पर सर उन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस दे दी अपने इंडिया के कश्मीर के अंदर सर, जो हिंदुस्तान के पास है। सर यूनिवर्सिटीज पता कितनी है, 17 से 18 यूनिवर्सिटीज है हमारे पास। कितनी है, 2 यूनिवर्सिटीज है सर। हॉस्पिटल का निजाम आप जरा गूगल पर सर्च करिएगा सर, आप रेलवे निजाम सर्च करिएगा कि इंडिया के पास कितना आटा, पता आपको कितना किलो मिल रहा है, कितने का केजी मिल रहा है, 25 रुपए केजी मिल रहा है इंडिया के कश्मीर में। जुल्म तो यहाँ पर हो रहा है कि नहीं, 150 रुपए केजी मिल रहा सर यहाँ पे। तो सर उन्होंने अब हद होगी है ना, इससे ज्यादा क्या होगी कि आवाम जिस जो जिसके बगैर आवाम का इंसान का गुजारा नहीं है। आटे के बाजार मुझे बताएं आपका गुजारा है नहीं है ना, तो वो भी लाइनों में लग के हमें लेना पड़ रहा है सर। तो अल्लाह मेहरबानी करे, बस ये खुदा गर्क करे इन सियासतदानों को, ठीक है ना, और इनको इनको नेस्तो नबूत करे, बस यही है हमारा कहना है। और बस मेरे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाम आपका? मोहम्मद अजहर। करते क्या? मैं एसोसिएट इंजीनियर हूँ कुवैत में। ओके, बहुत जबरदस्त, बहुत नाइस यार। बात करने का आपसे मकसद ये है, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है सर, ज़रात की कमी हम अपने से पूरी कर सकते हैं, लेकिन हमारी कमी पूरी नहीं हो रही। आप देख रहे हैं कि आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं, क्या वजूहत है? असल में क्या है कि हमारी जो लैंड है ना, वो बहुत छोटे छोटे सेक्टर में डिवाइड हो चुकी है। अगर हम जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा में बहुत बड़े बड़े फॉर्म हैं, आपने वहाँ पर देखा होगा कि वो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है ना वो यूज़ करते हैं, तो हमारी तकरीबन मेरा ख्याल आधी 50% से ज़्यादा जो ज़मीन है ना वो बेकार पड़ी है। लोग अपनी ज़मीनें छोड़ के यूरोप में इधर उधर धक्के खा रहे हैं, कुछ ये पॉलिसियाँ अच्छी पॉलिसीज अच्छी ना होने की वजह से, कुछ गवर्नमेंट जो है ना वो स्टेबल नहीं है। गवर्नमेंट असल में निकम्मी से निकम्मी भी हो ना, वो 5 साल सिर्फ बैठी रहे, वो खुद लोग इन्वेस्टमेंट बिजनेस सब कुछ चलता रहता है, लेकिन ये तकरीबन 5 साल एक नई गवर्नमेंट आती है उसकी साथ ही टांगे खींचनी शुरू कर देते हैं, 1 साल के बाद ही वो उसी में जो है। सर मैं कट कर रहा हूँ आपको, सॉरी उसके लिए। सर हम देखते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क होने के बाद भी आटा नहीं मिल रहा, आटा आवाम को 150 रुपए पर केजी मिल रहा है सर, लाइनों पर लगकर लोग मर रहे हैं, आटा उनको पूरा मयसर नहीं है। अब बात करें पाकिस्तान की, बलूचिस्तान की, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की बात कर ले, हर पूरे पाकिस्तान में बहरान है। सर अगर मैं बात करूँ पड़ोसी मुल्क इंडिया की, सर वो अपनी जरूरियात को पूरा करने के बाद अभी इजिप्ट को आटा देने जा रहा है सर, इजिप्ट को गंदम देने जा रहा है सर, पूरी दुनिया की गंदम की कमी पूरी करता है इंडिया, वो भी एक ज़रई मुल्क के तौर पर पहचाना जाता है, लेकिन वो सबकी जरूरत पूरी करके अपनी भी कर रहा, दूसरों की भी कर रहा, उसके पास क्या जादुई छड़ी है, उसके पास क्या इंडिया के पास क्या अलादीन का चिराग है, क्या है उसके पास? असल में उनके पास भी जितना पंजाब हमारे पास है ना, उतना ही पंजाब उनके पास है, और उसी पंजाब से वो तकरीबन दुनिया के चौथा हिस्सा इंडिया बनता है, उनको वो आटा प्रोवाइड कर रहे हैं इसी पंजाब से, वही पंजाब जो है ना वो हमारे पास है। लेकिन हमारा क्या है कि यहाँ पे जो माफिया है ना वो असम्बलियों में बैठा हुआ है, वो क्या करते हैं कि अफगानिस्तान जो है ना एक फ्री ट्रेड कंट्री है कि वहाँ वो क्या करते हैं अफगानिस्तान में भेजते हैं, वो भी भेजते नहीं है सिर्फ डॉक्यूमेंट में, वो वहाँ से जो है ना प्रॉफिट यानी कि डॉक्यूमेंट में जो है ना वो इधर बैठ के कमा लेते हैं, और यहाँ पे सिर्फ वो एक अफरा तफरी यानी कि वो फैलाते हैं, सारा वो होता इधर ही है, वो सिर्फ एक क्या उसको कहते हैं कि गोरख धंधा है, उसके थ्रू वो इधर उधर उधर डाल के जो है ना इधर से फिर वो महंगा करके जो है ना वो दे देते हैं। आटा हमारा यानी कि एक्सेस में है, ये नहीं है कि कम है, एक्सेस जा रहा है, लेकिन वो एक बस ड्रामेबाजी इसको कह लें कि दूसरा है कि हम असल में पक्के मुसलमान हैं, ठीक है कहने की सिर्फ बातों के, यानी कि दुनिया में नंबर वन जो मुसलमान है वो हम हैं। कैसे सर, सपोज प्रूफ? यानी कि दो नंबरी में, ठीक है, वो इस वजह से लोगों को धोखा देने में, बेईमानी में, ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट धोखा दे ही देती है, आप ये एक वॉलेट ले लें, ये कपड़ा ले लें, हर बंदा आपको जो है ना दो नंबरी में। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि आपको क्या लगता है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, पाकिस्तान का मुसलमान ज्यादा अपने अपने अमाल के अंदर फॉर एग्जाम्पल के एक सच बोलेगा, बाकी इबादत करना वो अल्लाह ताला के साथ मामलात में, उस पर बात नहीं करूंगा सर, सच बोलने में, वादा करके पूरा करने में सर, किसी की अमानत लेके उसका खयानत ना करने में हम कितने पाबंद हैं बनिस्बत इंडिया के मुसलमानों के साथ, थोड़ा कंपैरिजन करके देखें। असल में क्या है कि इस्लाम का हमें मुकम्मल पता ही नहीं है, इस्लाम सिर्फ ये नहीं है कि 5 टाइम की नमाज पढ़ना, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, आपके आप नेबर के साथ कैसा सलूक करते हैं, आप बिजनेस में कैसा यानी कि चलते हैं, ठीक है, यानी कि जब तक आप इन पूरे यानी कि दायरा को जो है ना मुकम्मल तौर पर यूज़ नहीं करते, आप एक मुकम्मल मुसलमान नहीं है। हमारा ये है ये नमाज नहीं पढ़ता, ये मुसलमान नहीं है। नमाज पढ़ना एक यानी कि अलग मैटर है, जो इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, ठीक है, उसमें हर ज़रूरतें ज़िंदगी आ जाती हैं,
जब तक आप कंप्लीट यानी कि नहीं होते आप मुसलमान नहीं हैं। लेकिन हमें इस्लाम की डेफिनेशन ही गलत जो है ना बताई जाती है। सर हमारे में एक चीज़ देखी जाती है कि एक जब हम इंडिया से आज़ाद इसलिए हुए थे कि हम डेवलप हो सके, लेकिन हम डेवलप नहीं हो पाए सर। हम देखते हैं कि हमें क्या, आपको लगता है कि हमें डेवलप ना होने के पीछे क्या वजूहत है? हमें मैनेजमेंट नहीं आती, या आप हमारे जो ऊपर बैठे हुए उनको मैनेजमेंट नहीं आती? क्या हमें एजुकेशन की कमी है या तरबियत की कमी है? इंडिया अगर डेवलप कर गया तो उसमें क्या ऐसी स्पेशल बातें हैं जो कि हमें भी सीखनी चाहिए उससे और उसके रास्ते पर चलना चाहिए? क्या किया इंडिया ने? असल में इंडिया में अभी मैं कुवैत में जॉब कर रहा हूँ लास्ट 18 ईयर से। अभी गल्फ कंट्रीज़ में यकीन करें कि इतनी जॉब्स हैं कि वहाँ पे जो है ना इंजीनियर्स उनको चाहिए, डॉक्टर्स उनको चाहिए। हमारी गवर्नमेंट यानी कि बिल्कुल कोशिश भी नहीं करती। उन्होंने क्या किया हुआ इंडिया ने, उन्होंने मेरिट जो है ना वो कम किए हैं। जहाँ पे वो 100 इंजीनियर निकलते हैं वो 1000 निकालते हैं और बाकी जो है ना वो उनको गल्फ में यूरोप में सेट करते हैं। जॉब्स यानी कि वहाँ पर ऑलरेडी जॉब अवेलेबल हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की ये लड़ाइयाँ ही ख़त्म हों तो ये जॉब की तरफ ध्यान दें ना। इनकी अपनी जॉब परमानेंट नहीं है, वो आज पता नहीं एक ही जॉब होनी है दूसरे की नहीं होनी। जब तक इनकी जॉब परमानेंट नहीं होगी तो ये तब तक लोगों के बारे में ये नहीं सोच सकते। तो इसलिए ये है कि मेरिट पाकिस्तान में इतने हाई हैं डॉक्टर का, इंजीनियर का, इनको थोड़ा लेस करके अब थोड़ा इनके डॉक्टर ज़्यादा जो है ना बनाएं उनको, यानी कि आप यूरोप यानी कि पूरी दुनिया यानी कि खाली पड़ी। सर, एक सवाल लास्ट आखिरी सवाल मेरा सर, जहाँ पर इंडिया पूरी दुनिया की गंदम की कमी पूरी कर रहा है सर, अगर देखें इजिप्ट को दे सकता है तो वो पाकिस्तान को भी दे सकता है ना सर। सर दुश्मनी खत्म करके आपको नहीं लगता कि एक लेन देन का, एक ट्रेड का भाईचारा, हमसाए सर, हमसाए को दुनिया, आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं लेकिन हमसाए को बदल नहीं सकते, जैसे है वैसे तस्लीम कर सकते हैं उनको, क्या हम ये नहीं कर सकते बड़ा दिल करके? असल में क्या है कि जब तक हमारी अभी जो जंग है ना, अभी इकोनॉमी की जंग है, अभी वो एटम हम ये चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं। यानी कि आपके पेट में वो क्या नाम है, अनाज नहीं होगा आपके पास तो आप क्या लड़ेंगे? एटम हमको कैसे चलाएंगे आप? अभी इकोनॉमी की जंग है, लेकिन वो हमारे ना गवर्नमेंट को समझ तो सारी उनको है, लेकिन उनकी असल में उनकी अपनी, वही मैं कह रहा हूँ कि उनकी अपनी जॉब परमानेंट नहीं है, तो वो कैसे इस तरफ ध्यान दें? जब तक उनकी जॉब परमानेंट होगी फिर वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें। ये नहीं उनको पता नहीं है, उनको हर चीज़ का पता है, वो हमसे ज़्यादा यानी कि बड़े माइंड वाले हैं, क्रिएटिव हैं, लेकिन वो उनको अपना हर टाइम डर लगा रहता है कि कब हमें निकाल देना है, तो वो फिर क्या वो कर सकते हैं? जी तो गाइस मेरे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है जी। सर नाम आपका? खालिद महमूद। करते क्या सर? मैं सरकारी मुलाजिम। ज़बरदस्त सर। बेसिकली बात करने का पर्पज़ है कि सर हम एक देखा जाए तो ज़रूरी मुल्क है सर, हम अपने ज़रूरियात मतलब कि गंदम चावल हर चीज़ को अपनी ज़रूरियात को खुद पूरा कर सकते हैं। तो सर अभी जो उनसे हमारे मुल्क के अंदर गंदम के इन्फ्लुएंशन आया, कमी आई है गंदम की, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहत है सर? यार इसके पीछे बदकिस्मती हमारी, हमारा ज़रूरी मुल्क हो के हम बाहर से गंदम मंगा रहे हैं, देखो इससे ज़्यादा बड़ा क्या। और ना हमारे सियासतदान मैं ये कह रहा हूँ कि सैलाब आया है, उसने सारा कुछ तबाह कर दिया। सैलाब ने सारा कुछ तबाह कर दिया, बहुत कुछ तबाह कर। पंजाब में तो सैलाब नहीं आया है? पंजाब में तो सैलाब, पंजाब में उधर आया उस तरफ, वो पहाड़ी इलाके वहाँ पर, अगर आप पूरे पंजाब पूरे पाकिस्तान का अगर हिसाब किताब लगाएंगे 70% पंजाब से सब कुछ जा रहा है गंदम, ठीक है जी, पंजाब से सब कुछ गंदम जा रही है। ये ना समझे कि पंजाब अपने लिए पैदा करता है। पंजाब के पास इतना गंदम है तो सर लोग लाइनों पर लग रहे हैं सर, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लाइनों पर लग लग के मर रहे हैं। ये परवेज इलाही का काम है। परवेज इलाही से बात नहीं ना, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो आप, आपको थोड़ा बहुत जितना पता है। बात सुने, ये हमारी शुरू से जो ना हिकमत अमली ये बहुत गलत है, इसमें किसी ने तवज्जो ही नहीं दी इन कामों पे, अपनी अपनी दिहाड़ियाँ लगाई, सियासतदान आए उन्होंने, जज आए उन्होंने लगा ली, वकील आए उन्होंने लगा ली, ये बस बस ऐसे ही चल रहा है अल्लाह के नाम पे मुल्क। आपको हम यहाँ पर पड़ोसी मुल्क इंडिया को तो ये तो कह देते हैं कि भाई हम उनका हर चीज़ में मुकाबले की बातें तो करते हैं सर, सर सर नहीं कर सकते, वो बहुत आगे है, वो बहुत आगे है, हम कर ही नहीं सकते जो मर्जी कर लें, ये इनकी बातें हैं सारी, ये कभी पंगा नहीं ले, वो माशी तौर पर हमसे 10 गुना ज्यादा खुशहाल है। यहाँ पर 150 के किलो, वहाँ पर पता कितने के किलो मिल रहा है? 35-25 रुपए किलो मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, उधर मोटरसाइकिल का रेट देखे 35-40 हजार में बेहतरीन मोटरसाइकिल मिल रही है वहाँ पे,
और वो देख दे रहे हैं सारे, और अपने वाम को वो तहफ़ भी देते हैं और ये सिक्योरिटी भी देते हैं और सहूलत भी देते हैं। सर यहाँ पर जो हम चीखते चिल्लाते हैं कि भाई मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो गया इंडिया में, मुसलमानों के साथ ये हो गया, एक मिनट पूरे मैंने पूरी बात सुन ली सर। सर वहाँ पर अगर हम देखते तो वहाँ पर जो आटा है 25 रुपए किलो, रिलायबिलिटी देखें, जिंदगी की सहूलियात देखें, एक मुसलमान को भी वही सहूलियात है जो कि एक हिंदू को है। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखें क्या हो रहा है सर, आटा कितना महंगा। मुसलमानों की कौन सी बात है, कौन मुसलमान आटा के 5% लोग आपके मस्जिद में जा रहे हैं, क्या कह रहे सर 5% लोग मस्जिदों में जाते हैं तो मुसलमान किधर रखे हुए हम बताएं जरा। बिल्कुल सही, 5% लोग है, यही सर्वे है ना, 5% लोग मस्जिद में जाते हैं बाकी नहीं जाते। सर आप कुछ कह रहे हैं सर, काइंडली इधर आ जाए। हमारा ईमान है तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कौन करेगा यही करेंगे, कौन करेगा ये जो है, कौन इनमें से कौन सा करेगा, वजीर आजम कौन सा वजीर आजम जो है अभी मौजूदा जो है। हाँ जी, आपको इस पर यकीन है कि ये मौजूदा हुक्मरान, मेरे ख्याल में जी जो जितनी भी प्रॉब्लम है हमारी दीन से दूरी की वजह से, जब तक हमारे मुल्क में ये सलामी निज़ाम नहीं आएगा कुछ नहीं हो सकता। तो फिर सर हम चिल्लाते क्यों हैं, चलाते बस वो आदत पूरी करनी है जो सियासतदानों के दिहाड़ियाँ लगाते। अगर हम देखते इधर बटे हुए